अजीब नई मुसीबत डाल दी मेरे गले। मुसीबत? बीवी मुसीबत होती है क्या? अरे पूरा हफ्ता वो तुम लोग का बोझ ढोती फिरती है यहाँ पे, और एक दिन उसको वहां तुम्हें ले जाना पड़े तो तुम्हें मुसीबत लग रही है। तो बुलाओ, कब से किचन में हो? आ जाएगी, आपको क्या टेंशन हो रही है? मेरी मानो को चाहिए ना उसका हाथ बटाए। अब्बा मेरी छुट्टी का एक ही दिन होता है, उसमें तो मुझे आराम करने दे। पूरा हफ्ता तो आप बहुत काम करती है ना? कर लेगी काम, जब उस पर जिम्मेदारी पड़ेगी ना सब कर लेगी। घर में सिखाओगी तो ससुराल में जाके काम करेगी, ऐसे तो नहीं कर लेगी। बस कर देना, अब बहू के सामने बोलेंगे ताकि वो बिगड़े। वो ऐसी नहीं है बिगड़ने वाली। बस बस ना मानो। अरे बेटा आप भी आओ, ठंडा हो जाएगा, नाश्ता कर लो नाश्ता। अच्छा सुनो, वो कहाँ है? अयान नहीं उठा? जी वो सो रहे हैं। देख लो सो रहे हैं आज भी वो। इतवार है, सोने दें उसे। अरे उसके लिए छुट्टी क्या, इतवार क्या और बाकी दिन क्या, हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे पड़ेगा। अच्छा अंकल, मैं सालन बना लूंगी तो आप मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ देंगे? हाँ जरूर बेटा छोड़ दूंगी। तुम और सालन क्यों बनाओ? ये दोनों हैं, ये लोग बना लेंगे, आप बस तैयारी करें जाने की। हर रोज मैं ही बनाती हूँ, अब एक दिन भी आराम ना करूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, अम्मी का फोन आया था, कहती काफी दिनों से आई नहीं हो तो। अरे बेटा जल्दी आने की जरूरत नहीं है, छुट्टी का दिन है, आप आराम से जाइए, अम्मी के साथ वक्त गुजारिए, सब यहाँ ठीक हो जाएगा। अयान को मैं कहता हूँ आपको छोड़ आएगा, नाश्ता करें आप। वालेकुम सलाम। मुझे चाहिए बैठे हो। अम्मी मुझे भी चाय डाल दो। एक मिनट, गरम नाश्ता है, पहले नाश्ता करो फिर चाय पीना, और नाश्ता करके तुम मुंतहा को उसके घर छोड़ के जाओगे। क्यों? ऑफिस भी तो खुद जाती, अपने घर भी चली जाओ। वो बात और है, ये बात और है, या बेटियों का मान होता है कि वो अपने मैं के शोहर के साथ जाए, समझे? बस तुम छोड़ के जाओ। अजीब नई मुसीबत डाल दी मेरे गले। मुसीबत? बीवी मुसीबत होती है क्या? अरे पूरा हफ्ता वो तुम लोग का बोझ ढोती फिरती है यहाँ पे, और एक दिन उसको वहां तुम्हें ले जाना पड़े तो तुम्हें मुसीबत लग रही है। क्या मतलब बोझ ढोती है? मैं कुछ नहीं करती घर में। बस बेटा आप तैयारी करेंगे, छोड़ के आएगा आपको। जी मैं बस किचन समेट लूं। बदतमीजी देख लियो उसकी तुम। अरे जवान बेटा है, उसे डांट दिया आपने, वो भी उसकी बीवी के सामने। बीवी को मुसीबत कह रहा है वो, ये तरबियत दिया तुमने उसको।